दोस्तों, दो दिन से देखिएगा मैं आपको कंटिन्यू अपडेट दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमास और इसराइल के बीच में निगोशिएशन टॉक्स होने हैं। निगोशिएशन टॉक्स का मतलब होता है कि आप जो दो कंट्री हो जो लगातार लड़ रहे हो, इनके बीच में डिप्लोमेसी क्रिएट करके इनकी बातें एक दूसरे को बताई जाएं और उसके बाद कुछ एंड टू द वॉर या फिर देखिएगा रिलैक्सेशन टू द वॉर या फिर थोड़ा सा युद्ध विराम लिया जाए, समथिंग मतलब जो है जो आम जनता है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए एटलीस्ट फॉर द सम टाइम ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो डिप्लोमेसी होती है कि ये एक्चुअल में जो वॉर हो रहे होते हैं, जो छोटी कंट्री वॉर लड़ रही होती हैं, बड़ी कंट्री डिप्लोमेसी करती हैं, तो कहीं से भी ये नहीं चाहती हैं कि वो वॉर रुके। आपने ये रशिया यूक्रेन में बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा, 2 से 2.5 साल हो गए हैं, कंटिन्यू वॉर चल रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी कंट्री जाती नहीं है चूँकि उन्हें आम सप्लाई करने हैं। तो हमास ने क्या कहा है? हमास ने कहा है कि वो पूरी तरीके से प्लान्स टू सस्पेंड गाजा सीज फायर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि प्लान्स टू सस्पेंड गाजा सीज फायर निगोशिएशन, यानी कि जो भी बात चल रही है कि गाजा में सीज फायर हो, युद्ध विराम लिया जाए, इस निगोशिएशन टॉक पे जो बात चल रही है उसको वो कैंसिल कर देगा, सस्पेंड कर देगा इफ़ इज़राइल अटैक्स राफा। यानी कि आप ये समझो कि आप एक तरफ से अटैक करते रहो और मैं आपसे दूसरी तरफ बोलूं कि आप युद्ध विराम कर लो। तो हमास ने क्लैरिटी के साथ इसको एकदम खारिज कर दिया है। और आपको पता है जब ये चीज़ें खारिज होती हैं तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो निगोशिएशन काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये आप भी जानते हो, सस्पेंडेड की बात कही है। इसराइल अटैक द सिटी राफा इन द साउदर्न गाजा स्ट्रिप। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें ये बता रही हैं कि पहले ही, यानी कि अभी बैठक भी नहीं हुई है, बैठक से पहले देखिएगा इस तरीके के एग्रेसिव स्टेटमेंट आएंगे। देखिएगा इसराइल एक देश है, इसराइल इज़ अ पर्टिकुलर कंट्री, उसको सपोर्ट है US का। तो आप समझ सकते हो वो आप जैसे ग्रुप की बात नहीं सुनेगा, आप उसकी बात सुनोगे, देन आफ्टर दैट वो युद्ध विराम लेगा। अदरवाइज आप जैसे भी कहते हो कहते रहो, हम तो वही करेंगे जो मन की है, वो चीज़ है। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ओसामा हमदन सीनियर हमास ऑफिशियल हैं, इन्होंने इंटरव्यू में कहा है विद लेबनान बेस्ड अल मनार TV, उसमें कहा है कि हमास वुड हॉल्ट ऑल द इनडायरेक्ट निगोशिएशन विद इसराइल इफ इट लॉन्चेस मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट राफा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है राफा में, जो कि इसराइल करेगा ही करेगा, मतलब इस पर तो अभी कोई बात ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जितने भी निगोशिएशन हैं उसको हॉल्ट कर देगा, रोक देगा। तो आप समझ सकते हो कि जो बात होने वाली है, जो स्टार्ट होने वाली है, उसमें अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे इफ एंड बट आ गए। और US देखिएगा सेक्रेटरी ब्लिंकन क्या कहते हैं, इज वन ऑफ हिज 7th विजिट एट टू द मिडिल ईस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे उन्होंने कहा है कि हमास से कहा एक्सेप्ट करिए, जो डील है वो एक्सेप्ट करिए, 33 हॉस्टेजेस को रिलीज करिए और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करिए, इस तरीके से बातें हुई हैं। फिर आगे अगर आप देखेंगे आज वार्तालाप होनी है, कल भी वार्तालाप होगी, मतलब सैटरडे संडे वार्तालाप होनी है इजिप्ट में, सेट टू सेटर वॉर डायरेक्शन, यानी कि स्टीर वॉर डायरेक्शन। तो ये जो अल जजीरा पे आपको अपडेट मिल रही है ये बता रही है कि आज से कल तक सारी बैठकें चलेंगी, सारी डिस्कशन होंगे, लेकिन हमास ने अपना एंड क्लियर कर दिया, इसराइल राफा पे अटैक रोकेगा नहीं, वो मिलिट्री ऑपरेशन करेगा ज़रूर। हमास ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम कोई भी आपके साथ निगोशिएशन, इनडायरेक्ट निगोशिएशन नहीं करेंगे, यहाँ पे जो निगोशिएशन होना है डू और डाई निगोशिएशन होना है, और किस पे होना है, सीज फायर पे होना है विद मूवमेंट सेइंग इट इज़ डिटरमाइंड टू अचीव ऑन एग्रीमेंट। यानी कि एक एग्रीमेंट पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट तब देखने को मिल सकते हैं जब राफा पे कोई भी इन्वेजन ना किया जाए। तो अगर आप देखेंगे थ्रेटनिंग इट विल लॉन्च इट्स ग्राउंड इन्वेजन ऑफ राफा अदरवाइज, तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्टिकुलर वॉर है इसमें और कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट टॉक हो रहा है
वो आपको पता है वॉर कैबिनेट में बेंजामिन नेतन्याहू होंगे और हमास के कोई टॉप ऑफिशियल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो ये टॉक होगा ये पूरे मतलब मिडिल ईस्ट को प्रभावित करेगा, मिडिल ईस्ट पे इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉक है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर इसमें कोई भी निगोशिएशन नहीं होते हैं तो इसका मतलब है आपको बताया कि स्टॉक मार्केट पे उसका असर पड़ेगा नेक्स्ट वीक। राम राम।